तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का ये जो तो भी गेम प्ले है उसमें हम खेलने वाले हैं जो नया नया फ्रेश अपडेट जो आ जाए यार, लेविक मैन। और इनके साथ इन्होंने मुझे टोपा भी फ्री दिया है, लेकिन सिर्फ 5 दिनों के लिए, 5 या 3 दिनों के लिए मुझे नहीं पता। लेकिन यार वो सबको साइड में रखो यार, आज मुझे कुछ भी करके यार ये लेविक मैप में चिकन डिनर निकालना है। तो यार पूरी कोशिश करेंगे लेविक मैप। तो गाइस मेरा थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था यार, नया मैप यार, नाम लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। और भाई ये क्लासिक मैप है तो इसमें तुम्हारा प्लस भी होने वाला है। और यार मैं अपना स्क्वाड में माइनस नहीं कराना चाहता, इसके लिए मैं सोलो में खेल रहा हूँ। तो गोल्ड फाइव समझ के पिछले वाले वीडियोस में ये मत बोलना, मुझे कोई देखता ही नहीं भाई, मेरे रिश्तेदारों के अलावा मुझे कोई नहीं देखता होगा भाई, रहन दो। तो यार अगर गलती से भी कोई देखता है जो मुझे नहीं जानता है तो यार पिछले वाले वीडियोस में कमेंट मत कर देना कि गोल्ड फाई के गेम प्लेस है, तुमको पसंद भी कहाँ आते हैं गेम प्लेस, तुम्हें फ़र्क भी क्या। ओ बेटे भाई, ये तो अपना सीक्रेट मैप है आई थिंक सो। हाँ यार ये सीक्रेट मैप है, सीक्रेट मैप है। इसका बस नाम चेंज करके लेविक रख दिया है और ये साला अभी भी बीटा में ही है यार। लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार इसके अंदर के टेक्सचर्स देखने के लिए, क्योंकि यार बहुत कुछ चेंज हुआ है। और क्योंकि मैंने सीक्रेट मैप अभी तक खेला नहीं है, जी हाँ मैंने बीटा तक डाउनलोड नहीं किया है, ये सोच के नहीं कि यार कि मेरी पबजी ना उड़ जाए, मेरा अकाउंट का सत्यानाश ना हो जाए। तो यार डर तो बना रहता है ना, क्या करें अब। तो यार अब जब पबजी मोबाइल में ये चीज़ आ गई है तो आज ट्राई करके जाएंगे। तो यार वीडियो में आगे तक, मेरा मतलब लास्ट तक बने रही है ताकि आप थोड़ा मज़ा ले सके। YouTube पे लोग एंटरटेन होने के लिए आते हैं और मैं वही करने आया हूँ यहाँ पे। तो यार RP देखकर तो मेरी पहले ही फट चुकी है, क्योंकि यार मुझे पता है चिकन डिनर नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो भी गया तो अच्छी बात है। क्योंकि यार मैं तो आज बस ये मैप एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मैं कोई सी भी नाम वाली जगह पर उतर रहा हूँ, इसका नाम कुछ तो भी है, रेड ग्रास क्या है भाई, क्रैब ग्रास, क्रैब ग्रास करके कोई प्लेस है जहाँ पर मैं उतर रहा हूँ। और नाम सही है यार, खासी खास। और यार इरेंगल 2.0 के टेक्सचर्स, भाई ये रेंडर नहीं हुआ मेरा, ओ भाई भाई आई लव इट। मैं कुछ भी कह लूँ अगर ये इरेंगल में आ गया ना जल्द से जल्द आ जाए यार, जल्द से जल्द भाई क्या ही टेक्सचर्स है यार, पबजी का तो पूरा फील ही अलग हो जाएगा यार ये जल्दी से इरेंगल में। ओ भाई बाहर से तो मतलब ऐसा सड़ेगा, पुराना पुराना कर दिया इन लोगों ने। और मेरा गन स्पॉन नहीं हुआ क्या, कि खाली एमओ स्पॉन, ओ सच में वहाँ पे 60 ही MOs है, अच्छा ठीक है। तो यार बाकी का देखते हैं यार, यहाँ पर यार काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम प्ले। अबे यार ये किसका कॉल आ गया, सॉरी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी उसको तुम लीव इट करो यार, क्योंकि कॉल्स तो यार मेरे को दिन भर के आते रहते हैं। तो यार अभी साइड से M416 चली थी, तो यार उस बंदे को मारने जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा अचानक से मन बदल गया कि पहले ये जगह थोड़ी एक्सप्लोर कर लूँ। और अच्छा किया कि मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तभी मुझे ये गन्स मिली। तो देखो यार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार लंबी वीडियोस मुझे भी नहीं पसंद, तुम्हें भी नहीं पसंद। तो यार मुझे अच्छे से पता है कि यार तुम लोग बीच में ही छोड़ के चले जाओगे। यार मैं एक कृपया करता हूँ तुमसे, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो यार, क्योंकि अभी भी 30% इसकी भैंस का, ये कौन सा गन है बे, वो ये अपडेट में तो भाई आयरन साइट बिल्कुल M4 जैसा है यार, वो जो वांडरर M4 नहीं आई थी बीच में, एकदम उसके जैसी फील दे रही है ये वाली गन। अच्छा DMR है, ओ भाई इसको चलाने में भी मज़ा आ रहा वाला है, कतई जहर। आज ओ 6X, आज स्कोप्स की तो बारिश हो रही है भे। हाँ भाई DMR है। हाँ तो यार मैं कहाँ था यार, कृपया करके उस लाल वाले बटन पर चप्पल दे दो यार, अच्छा ना लगे इसलिए तो बोल रहा हूँ यार, चप्पल दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लिक हो जाएगा तो मुझे भी मज़ा आएगा। तो यार मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी भी चैनल अच्छी है, मतलब 70% सब्सक्राइब लोग वॉच टाइम दे रहे हैं, लेकिन बाकी के 30% क्या कर रहे हैं यार।
जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, बढ़िया यानी पता ही मज़ा टाइप का जाने वाला है तुमको। और यहाँ यार मैं मेरे दोस्त के जैसा टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहा था कि यार इसको उससे मतलब वो आई बटन से देख के मारूं, लेकिन ये भैया जी को तो हमने नेड से ही उड़ा दिया। अबे यार गंदा लगा इस बंदे के लिए, लूट रहा था बेचारा, मैंने वो वाली खिड़की से नेट डाल दिया। बेचारे के मन में क्या सोच रहा होगा यार, उसका तो पूरा मतलब दिन ही खराब हो गया कि पहला पहला लेविक मोड आया था और मैं मर गया। तो यार आगे से PP19 बाइजन चलती है और उसका मालिक भी दिख जाता है, जिसको हम M4 के टट्टी स्प्रे में मार देते हैं। वो तो यार गलती से मेरे जायरो की वजह से एक दो शॉट्स कनेक्ट कर जाते हैं, वरना यार मैं नूबड़ा ही हूँ। तो यहाँ भी यार थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग कर कर के आगे जाते जाते मुझे एक बॉट भैया जी मिलते हैं, जिनको तो यार मारना काफ़ी ही इजी होता है। फुटस्टेप देख के तो लग रहा था कि साला असली बंदा है। ओ भाई ये क्या है भाई, नीचे घास देखे तो साला घरों के ऊपर भी घास डाल दी इन्होंने। ये भाई सैनॉक का अपडेट लग रहा मुझे। हाँ सैनॉक, हाँ भाई ये सैनॉक का अपडेट है। ओ भाई ये खुलता है, हाँ खुलता है। ओ भाई खतरनाक, ओ ये क्या है भाई, इस पर चढ़ सकते हैं? अरे यार कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ेगी मुझे लगता है वहाँ चढ़ने का। ओ हाँ बे, यहाँ पे स्नाइपिंग क्या खतरनाक हो सकती है भाई, चढ़ने का रास्ता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू है कि यार आगे पीछे कहीं से भी पड़ सकती है, तो यार अपना पिछवाड़ा संभाल के रखना। पिछवाड़ा और यार आगे का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हेलमेट वेस्ट है, लेकिन पिछवाड़ा समय संभाल के रखना, क्योंकि यार वहाँ पर कुछ नहीं है यार, वही एक जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यार अब थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और यार कुछ करते हैं यार, मुझे वहाँ ऊपर जाना है कुछ भी करके यार, लेकिन ये चढ़ के ही नहीं दे रहा है। गॉड निक्सन सर कुछ करके दिखा दो। ओ एक मिनट, यहाँ से चढ़ सकते हैं भाई, यहाँ से चढ़ सकते हैं, आई थिंक सो। आइए हाँ यहाँ से चढ़ सकते हैं। ओ भाई कतई जहर, OPGG भाई। यहाँ पर जो लेट के ऐसा कैंपिंग कर सकते हैं ना अपने, अभी खुले में लेट के कैंपिंग करेंगे हम यहाँ पर भाई, बहुत मज़ा आएगा यार खेलने में। भाई जल्दी से जल्दी ये अपडेट्स अगर क्लासिक्स में आ जाए ना यार, जो मेन मैप्स है उनमें भाई, ये तो इतने इसमें क्या है, एक एडवांटेज है, 15 मिनट का एक गेम है जिसमें तुम्हारा प्लस भी हो जाएगा भाई। तो अबे यार, तो यार वंस अगेन कॉल आ जाता है यार, वो क्या है ना, आई एम थोड़ा सा बिजी पर्सन, तो यार तुम समझ सकते होंगे कि मेरे को कितने कॉल आते होंगे। तो यार फालतू के कॉल से पबजी खेलने के लिए बुलाते हैं, तो यार उन सब को थोड़ा साइड में रख कर हम यहाँ के टेक्सचर की बात करते हैं। तो यार ये चीज़ अगर गलती से भी सैनॉक में आ गई ना, तो मैं सैनॉक ही खेलने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर जो स्नाइपर टावर जैसा बना के रख दिया है, जिस पे यार चढ़ के मार मारी करने में तो अलग ही लेवल का कतई मज़ा आ जाएगा। तो यार अब सामने एक लाल कलर का धुआं है, यानी एक लाल कलर और अबे ब्लू को हिंदी में क्या बोलते हैं,
नीला नीला नीला, हाँ याद आया, लाल और नीला ड्रॉप पड़ा हुआ है उधर। तो यार उसको तो अभी साइड में रखते हैं, बंदे ढूंढते हैं थोड़े, क्योंकि यार किल्स करने हैं मुझे। और यार कोई दिख तो नहीं रहा है मुझे, मेरे को पहले तो लगा बग्गी के पीछे, मतलब पत्थर के पीछे कोई होगा, लेकिन कोई है नहीं। और सामने लाल और नीला पीला ड्रॉप पड़ा हुआ है। तो यार अब मेरे को उसको खोलने की लालच हो रही है, और MK मिल गई तो जन्नत ही मिल जाएगी। फिर मैं ये गन फेंक देने वाला हूँ, MK 12 नहीं चाहिए यार। क्या निकला अंदर? ओ भाई साहब, किस्मत OP इन कमेंट्स। देखो दोस्तों, किस्मत OP इन कमेंट्स कर दो यार, कर दो। मुझे पता है वॉइस ओवर में मैं जान पूछ के बोल रहा हूँ, तो भी किस्मत OP इन कमेंट्स कर दो यार। मज़ा ही आ गया यार, MK मिल गई, तेल लेने गई MK 12। जब MK 12 है, जब MK 14 है, तो MK 12 क्यों ले? सोचो यार, 2 नंबर का डिफरेंस है यार। और वो गने से भी मेरे को लगता है 30 ही होने वाली है। उससे तो अच्छा है हम MK 14 चला ले, अपनी Mother 14 से भी अच्छी है वो तो। यार अब आगे बढ़ते हैं हमारे स्क्वाड हाउस की तरफ, देखते हैं यार इसमें कितना चेंज आया है। तो यार यार टेक्सचर्स तो हर जगह से बदल चुके हैं, और पहले यार मेरे को लगा कि ऊपर कोई बंदा है, और अब लग रहा है कि ऊपर लेटा हुआ है। फिर देखा तो यार ऊपर दो दो खंबे पड़े हुए हैं, मतलब चिमनियाँ लगा दी हैं यार स्क्वाड हाउस में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार काफ़ी बदल चुका है, पेंटिंग है, वेंटिंग है लगा रखी है, बालकनी देख के आते हैं। यार इस चीज़ ने नाराज़ कर दिया यार, टाइल्स ऐसे लगाई है जैसे संडास में बैठे हुए हों। यार उस सबको इग्नोर करते हैं, नीचे जाते हैं, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगा कि यार नीचे यार वो जो स्पेस होती है ना थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। तो यार अभी नीचे जाते हैं, पहले तो यार एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। इस बंदे को भी इजीली ठिलाने के बाद, और यार सस्ती एडिटिंग करने के बाद, अब मेरे को ऐसी एक उम्मीद जाग रही थी, मतलब मेरे अंदर, कि यार चिकन डिनर हो सकता है। तो बस आगे देखते जाओ, क्योंकि यार एक्सप्लोर तो मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिया है, अब बस भारी है चिकन डिनर की। और सामने से कोई K98 के पे ले जा रहा है, और जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, मेरे को लग रहा है कि इस वाली ये जो, हाँ ये जो सामने वाली जगह है, यहाँ से थोड़ी मतलब स्पेसिंग बढ़ा दी है, ये वाली जगह जहाँ से मैंने मार्क किया है, यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा दी है, थोड़ा और चौड़ा कर दिया है इसको। तो यार अच्छी बात है यार, गाड़ी घुसाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यार अब वो सबको छोड़ो, अब उस K98K वाले बॉय को ढूंढते हैं, और उसको भी मारेंगे, और आखिरी बंदे को भी मारेंगे। अब यार यार मैं कुत्तों की तरह उस K98 वाले बंदे को ढूंढ रहा हूँ, और अब वो बंदा मुझे दिखने वाला है। बस देखो पत्थर पे क्या कर रहा है वो। तो यार इस बंदे को भी इजीली मारने के बाद आखिरी बंदा बचा था जो जोन में आ रहा था। तो यार यही मेरे लिए एक मौका था, और देखो यार क्या हुआ। तो माय दोस्तों लोग और रिश्तेदारों लोग, यार वन मोर चिकन डिनर, यार पहला 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 मैच था ये मेरा लेविक का, और इसमें भी हमने चिकन डिनर पेल दिया। आज तो दबा के खाऊंगा, और भूख भी लग रही है वैसे मुझे। तो यार मैं निकलता हूँ चिकन डिनर खाने के लिए लॉकडाउन में। तो यार आप लोग भी चिकन खाओ, मौज मनाओ, कोरोना फैलाओ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय, सायोनारा। तो
दोस्तों यार, मेरे साथ एक नया बंदा ज्वाइन हुआ है जिसका नाम है परितोष। वो अभी मेरे लिए पबजी वालों से चिकन डिनर लेने गया है, तो यार मैं तो दबा के खाने वाला हूँ। एक मिनट, परितोष तू अभी तक गया नहीं? जल्दी जा, वरना ये चार नमूने कल हमारे घर के बाहर नाच रहे होंगे। यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर यार, नहीं बढ़ रहे फॉलोअर।